नई जेल बनाना चाहते हैं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा छिंदवाड़ा के लोगों को जेल नहीं चाहिए, छिंदवाड़ा के लोग जेल जाने वाले नहीं हैं, तो हमें जेल की आवश्यकता नहीं है। पर अब जब जो आंकड़े आए कि केवल छिंदवाड़ा की जेल की बात नहीं है, बहुत पुरानी जेल है सिक्योरिटी के हिसाब से, और पड़ोसी जिलों को इसकी ज्यादा जरूरत है कि जेल बने छिंदवाड़ा में, तो मैंने स्वीकार किया कि छिंदवाड़ा में भी जेल बनेगी, एक नई जेल बनेगी। ऐसी जेल बनेगी जो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है पर के चयनित होने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। छत्तीसगढ़ में एयरफोर्स भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से 208 प्रतिभागी चयनित हुए थे। धमतरी जिले से 100 प्रतिभागी चयनित हुए हैं। मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन्हें सम्मानित करने की कृपा करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री यशुदास जी को, श्री उत्कर्ष गजेन, श्री नीरज कुमार। इनका चयन वायुसेना भर्ती परीक्षा के माध्यम से हुआ है। साथ ही इनको प्रशिक्षण देने वाले रायपुर डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षक श्री रूपेंद्र कुमार साहू, श्री भूपेंद्र शर्मा, श्री तनुश्री और श्री केपी साहू को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन्हें सम्मानित करने की कृपा करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे नरवा गुरुवा गरवा घुरवा और बारी में योगदान देने वाले वॉलंटियर्स को भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। फिर वीडियो है। मैं इन छात्र छात्राओं को आमंत्रित करता हूं, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स, इनका योगदान नरवा गरवा घुरवा और बारी कार्यक्रम में विशेष रूप से रहा है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। उद्बोधन जी। नरवा गुरुवा गरवा घुरवा और बारी पर छात्राओं के द्वारा विचार अभिव्यक्त किया जा रहा है। आप सभी को मेरा सतत नमन। सभी बोलना पूरे टोटल। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमन नमस्कार। मैं यहाँ नरवा गरवा घुरवा और बारी के बारे में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी जिला स्तरीय 2 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग कैंप के दौरान जिला कलेक्टर के निर्देशन एवं जिला पंचायत के नेतृत्व के माध्यम से हम लोग 18 नवंबर को हम सभी रेड क्रॉस वॉलंटियर जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। हमारे किराने की दुकान जो गांव में है उसका व्यापार चलता है। जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हुई, क्रय शक्ति हुई, तभी वो किराना की दुकान चलती है। हमारे ब्लॉक और तहसील के बाजार चलते हैं जब किसानों के हाथ में कुछ ताकत हुई। और कौन सी चुनौती है? हमने कर्जा माफ का पहला इंस्टॉलमेंट शुरू किया। ये मैं नहीं कहता सबका कर्जा माफ हो गया। हमने कहा था हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, हम करेंगे। ये घोषणा नहीं थी, ये वचन था। और हमने पहले किस्त में ये शुरुआत करी, अपने नियत और नीति का परिचय दिया। आगे आने वाले महीनों में भी
ये कर्जा माफ बाकी लोगों का होने जा रहा है। पर हमारे किसानों के साथ न्याय कैसे हुए? हमारे किसानों के साथ न्याय कैसे हुए? कर्जा तो माफ हो जाएगा पर किसानों के साथ न्याय, उनके उनको सही मूल्य कैसे मिले? ये चुनौती है कि अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति कैसे लाएं? ये चुनौती है। हमें एक नया नक्शा बनाना है अपने कृषि क्षेत्र के लिए, ताकि हमारे 70% लोग मध्य प्रदेश के जिनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर, उनका जीवन सुरक्षित रहे। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, उन्होंने तो बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़कों के अपना जीवन काट लिया। पर नई पीढ़ी जो है, आज का नौजवान है जो इंटरनेट से जुड़ा है, गांव गांव में नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है, उसका नजरिया कुछ और है, उसका दृष्टिकोण कुछ और है, उसकी दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये चुनौती है हमारे सामने पूरे प्रदेश में, और ये तभी संभव है जब निवेश आए। निवेश तब आएगा जब मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हो। निवेश तभी आता है एक प्रदेश में जब लोगों को विश्वास हुए उस प्रदेश में, एक विश्वास का वातावरण बनाए, ताकि लोग मध्य प्रदेश में निवेश लगे, औद्योगिकरण हुए, नए नए उद्योग आए। पिछले 15 साल में जितने उद्योग लगते नहीं थे, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते थे। ये हालात थे हमारे नौजवानों का जीवन अंधेरे में, और यही नौजवान, हमारे छिंदवाड़ा के नौजवान हुए, हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान हुए, यही निर्माण करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का। और अगर इनका अपना जीवन अंधेरे में होए, ये कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? कैसा निर्माण होगा अपने देश का? बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, घोषणाएं हो सकती हैं, पर घोषणाओं से रोजगार के नए मौके नहीं बनने वाले। घोषणाओं तो आपने 15 साल सुन ली, पर घोषणाओं से हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने पूरे प्रदेश भर में, हमारा निमार हुए, हमारा मालवा हुए, हमारा बुंदेलखंड हुए, हमारा विंध हुए, ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। कैसे हम मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बनाएं, विकास का एक नया नक्शा बनाएं, ये हमारे सामने चुनौती है। कैसी एक नई सोच, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन करें, कैसी एक नई सोच, एक नए नजरिए से हम मध्य प्रदेश को देखें, इसका हमारा प्रयास है। तो 11 महीनों में हम आगे बढ़े, हम योजनाएं लाए। तिजोरी खाली थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, तिजोरी खाली है, हम उसका भी इंतजाम करेंगे। अभी अतिवृष्टि हुई, भयंकर नुकसान हुआ प्रदेश भर में, मुआवजा हम तो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार, जैसे उन्होंने अन्य राज्यों को राशि दी है, अन्य राज्यों की मदद करिए, मध्य प्रदेश का भी मदद करेंगे। पर अभी तक कोई राशि नहीं केंद्र से। आज तो हमें जो करना है खुद करना है। तो ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये चुनौतियां मेरे सामने हैं, सरकार के सामने हैं, हमारी मंत्रिमंडल के सामने हैं, हमारे सब जनप्रतिनिधियों के सामने हैं, पर आपका विश्वास और आपका प्यार मुझे ये बल और शक्ति देता है कि हम इसका सामना कर पाएंगे। और आपके प्यार और आपके विश्वास से हम एक नया इतिहास बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे यहां उतना समय नहीं रहने के बावजूद भी आप याद रखेंगे कि मेरा और आपका संबंध, मेरा और आपका संबंध कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, एक विधायक या सांसद का संबंध नहीं है। आपने जैसे ही ये संबंध मुझे जो सौभाग्य दिया, ये संबंध हमारा हमेशा के लिए बना रहेगा, मुझे बल और शक्ति देता रहेगा, और मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल की सोच के अनुरूप इको टूरिज्म यानी प्रकृति की गोद में अपने आत्मा की तलाश, वनवासियों का आतिथ्य उनके अंदाज में, क्षेत्र में बढ़ रहा है रोजगार, सुपोषण, सादगी और माटी की खुशबू, आप भी शामिल हों सुपोषण पर कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय श्री मोहन लालवानी जी। मैं उन्हें उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भूपेश भैया। आज साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थी आवास योजना के अंतर्गत 1867 हितग्राहियों में से दो हितग्राहियों को अधिकार पत्र वितरण किए जाएंगे, जिसमें नाम है रोशनी चौहान, शफी मोहम्मद। कृपया मंच पर आए। रोशनी चौहान, शफी मोहम्मद। आसपास गांव से आए हुए सभी माताओं बहनों, ये मेरे धमतरी जिले का सौभाग्य है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पहली बार नहीं आ रहे हैं, 11 महीने के अंदर ये सातवीं बार धमतरी जिले को सौभाग्य मिला है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। आप जानते होंगे इसके पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री 15 सालों में 5 बार भी धमतरी जिले में नहीं आए। धमतरी जिले के बारे में उन्हें विशेष चिंता है। धमतरी पिछले 15 सालों से यह जिला उपेक्षित रहा है, विशेषकर धमतरी नगर। माननीय भूपेश बघेल जी सिर्फ किसानों के लिए यही नहीं, योजनाएं बनाई हैं, वे निगम के अंतर्गत आए और नगरीय निकाय में जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके लिए भी छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई है, जिनका लाभ हम सबको मिल।